Assalamu alaikum, welcome again viewers to one more class of mathematics for class 10th, and we are continuing the topic solving quadratic equations by quadratic formula. And today our question is from exercise number 4.3 and it is question number 5. The question is a word problem. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. जैसा कि आपने देखा कि एक वर्ड प्रॉब्लम है जहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश और मैथमेटिक्स में टेस्ट लिया और उसमें उसने कुछ मार्क्स हासिल किए और जितने मार्क्स इसने दोनों सब्जेक्ट्स में मिला के हासिल किए वो 30 है। हमें बताना है कि उसने मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स लिए और इंग्लिश में कितने मार्क्स लिए। इसके लिए इसने एक कंडीशन यहाँ पर लिखी है कि अगर उसने मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स कम ज़्यादा लिए होते, जितने लिए हैं उससे 2 मार्क्स ज़्यादा लिए होते, और इंग्लिश में जितने लिए हैं उससे 3 मार्क्स कम लिए होते, तब उनका मार्क्स जो है उनका प्रोडक्ट 210 होता। तो हमें मालूम करना है कि तब उसने कितने मार्क्स लिए हैं इंग्लिश में और कितने लिए हैं मैथमेटिक्स में। तो पहली कंडीशन ये है कि जिसने जो इसने मार्क्स मैथ्स में और इंग्लिश में मिला के लिए हैं वो 30 है। दैट इज सम ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। सो लेट अस सपोज द मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज एक्स। अगर हमने मान लिया फॉर एग्जाम्पल कि उसने मैथ्स में जो मार्क्स लिए वो एक्स हैं, तब इंग्लिश के मार्क्स कितने रह गए? 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मार्क्स उसने 30 लिए हैं। अगर उसमें एक्स मैथमेटिक्स में लिए हैं तो बाकी जो बचता है 30 माइनस एक्स वो इंग्लिश में लिए। तो अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ देखते हैं। अभी उसने एक्स मार्क्स लिए हैं मैथमेटिक्स में, अगर उससे 2 ज़्यादा ली थी तो कितने बनते हैं? एक्स प्लस 2। इसी तरह से इंग्लिश में उसने लिए 30 माइनस एक्स, अगर उससे 3 मार्क्स कम ले दी तो कितने? 30 माइनस एक्स माइनस 3, 3 कम उससे, तो क्या बनता? 30 माइनस 3 निकाल के कितना बचता? 27 माइनस एक्स। तो अगर मैथ में और 2 मार्क्स लेती ज़्यादा तो एक्स प्लस 2 बनता, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लेती तो 27 माइनस एक्स बन जाता। अब इस सूरत में जब इसने मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा लिए और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लिए, तब उन मार्क्स का प्रोडक्ट 210 बनता। मैथ्स के मार्क्स एक्स प्लस 2 और इंग्लिश के मार्क्स 27 माइनस एक्स, उनका प्रोडक्ट 210 होता है। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27x बनेगा। एक्स को जब माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। 2 को 27 के साथ तो 54 बन जाएगा। 2 को माइनस एक्स के साथ तो माइनस 2x बन जाएगा इक्वल टू 210। अब 27x में से 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 25x रहेगा, बाकी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 210। अब इस 210 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या बनेगा? यही लेफ्ट साइड में जो टर्म्स हैं इन्हीं को राइट साइड में लेके जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर जब चेंज होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 25x प्लस है तो राइट साइड में आके माइनस 25x बनेगा। इसी तरह 54 प्लस है तो माइनस बन जाएगा। 210 अपनी साइड में रह गया तो प्लस 210 इक्वल टू 0। इन तीनों टर्म को 210 के साथ लेके आए तो इनका अपना साइड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 54 प्लस 210 इंटीजर्स हैं, इनका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या रह गया?
इनका सबट्रैक्ट करके 156। तो हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकलेगा, उसी से हम फिर मार्कस निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स से कितने हैं और इंग्लिश के कितने हैं। जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, हमें दिखता है कि ए के वैल्यू की जगह 1 है तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 25 एक्स का कोफिशेंट, इसी तरह से सी कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू 156। जब हम इन वैल्यूज को प्लेस करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब इन वैल्यूज को यहाँ इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू माइनस फिर बी का वैल्यू माइनस 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट अगेन बी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए वैल्यू ऑफ ए 1 इंटू वैल्यू ऑफ सी 156। आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 41 और 156 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 624 आ जाता है। अब इन दो को सबट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर 1 आ जाता है। तो हमारे पास अब है 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 1 स्क्वायर बन सकता है तो इसका रूट खत्म हो जाएगा। सो क्या बनेगा, 25 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से 25 को एक बार प्लस करना है 1 और दूसरी बार माइनस करना है 1। तो इस तरह से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 25 प्लस 1 बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 25 माइनस 1 बाई 2। जब 25 प्लस 1 करेंगे 26 बनेगा डिवाइडेड बाई 2, वो 13 बनेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में कदर काट के। यहाँ पर 25 माइनस 1 24 बन जाएगा डिवाइड बाई 2, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 बन जाएगा। तो इस तरह से x के दो वैल्यू आ गई, एक 13 आ गया एक 12 आ गया। अब हम देखते हैं कि इन जो हमने सपोज किया था x, वो अगर ये वैल्यू रखेंगे तो क्या, इफ़ x इज इक्वल टू 13 एक वैल्यू हम यूज़ करेंगे x का 13, तब देन मार्क्स इन मैथमेटिक्स हमने x रखा था वो सीधा 13 हो जाएगा और मार्क्स इन इंग्लिश कितना होगा, 30 माइनस x के बदले 13, 30 माइनस 13 दैट इज 17। तो इस तरह से अगर मैथ्स में इसने 13 मार्क्स लिए तो इंग्लिश में कितने लिए, 17 मार्क्स। दूसरा वैल्यू लेते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 12 तब मार्क्स इन मैथमेटिक्स हमने x रखा था वो सीधे 12 हो जाएगा, x इक्वल टू 12। अब मार्क्स इन इंग्लिश कितना होगा, 30 माइनस 12 एक्स के बदले 12, इस बार 30 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आ जाएगा। इस तरह से अगर इसने मैथ में 13 लिए हैं तो इंग्लिश में कितने लिए हैं, 17। दूसरी बात, अगर इसने मैथ में 12 लिए हैं तो इंग्लिश में 18 लिए हैं, क्योंकि दोनों सूरतों में इसका सम जो आता है मार्क्स का वो 30 आता है। हेंस शिफाली गॉट एदर 13 मार्क्स इन मैथ्स एंड 17 मार्क्स इन इंग्लिश और 12 मार्क्स इन मैथ्स एंड 18 मार्क्स इन इंग्लिश। अब हम इसका थोड़ा चेक करते हैं कि वैल्यू सही निकले हैं गलत निकले हैं। तो पहली कंडीशन में जब इसने मैथ में 13 लिए है और इंग्लिश में 17 लिए है, तब क्या होता, अगर वो मैथ के 2 मार्क्स और ले जाता और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम ले जाता तब क्या होता, 13 प्लस 2 मैथ का बन जाता, 17 माइनस 3 इंग्लिश का बन जाता। इसका मतलब 15 मैथ के होते और 14 इंग्लिश के होते, तब इनका प्रोडक्ट होता आता 15 × 14 210। दूसरी सूरत में अगर इसने मैथ में 12 लिए होते तो 2 मिला के और देते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में 18 लिए हैं उसमें उसको 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होता, मैथ में 2 ज़्यादा और इंग्लिश में 3 कम, तो यहाँ 14 बन जाएगा, 18 − 3 = 15 बन जाएगा, 15 बन जाएगा और 14 × 15 अगेन 210। इस तरह से दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इसने मैथ में 13 लिए और इंग्लिश में 17 लिए हैं, या इसने मैथ में 12 लिए हैं और इंग्लिश में 18 लिए हैं, बोथ आर करेक्ट। सो इसके साथ ये क्वेश्चन एंड हो जाता है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी
मुझसे रद्द करने की कोशिश कीजिए एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। तब तक आप घर में रहिए, महफूज रहिए, हालात ठीक हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।